नमस्कार दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में 7 चरणों के और चुनाव बचे हुए हैं, लेकिन इससे पहले ही चुनाव प्रचार और भी तेज हो चुका है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक चुकी है, तो वहीं ममता बनर्जी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन इसी बीच नंदीग्राम सीट को लेकर बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, नंदीग्राम सीट से जहां एक तरफ ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, तो वही तरफ भारतीय जनता पार्टी से शुभेंदु अधिकारी मैदान में है। अब ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच नंदीग्राम में चुनावी मुकाबला होना है। ये दोनों नेताओं की साख की बात बन गई है। अब इसी नंदीग्राम सीट को लेकर बड़ा ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है। साथ ही आपको सभी 294 विधानसभा सीटों के भी आंकड़े बताएंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। इसका भी फाइनल ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है। हालांकि आपको बता दें, कई ओपिनियन पोल जो पहले सामने आए थे, उसमें सभी लगभग ओपिनियन पोल में ये निकल कर सामने आया था कि बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार बन सकती है। हालांकि कई ऐसे ओपिनियन पोल थे जिसमें ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर थी। लेकिन आपको क्या लगता है, बंगाल में और खासकर नंदीग्राम जो सबसे हॉट सीट बना हुआ है, वहां से कौन जीतेगा? क्या ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर अपना जीत का पताका फहराएंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी उस सीट पर अपना कब्जा जमा लेंगे? आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बंगाल में 27 मार्च से विधानसभा के चुनाव शुरू हुए हैं और 29 अप्रैल को चुनाव संपन्न हो जाएगा और 2 मई को नतीजे सामने आएंगे। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो 200 प्लस सीटें जीतकर बंगाल में सरकार बनाएगी, तो वहीं ममता बनर्जी भी दावा ठोक रही है कि एक बार फिर वो हैट्रिक लगाएंगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, बंगाल की सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी नंदीग्राम सीट का ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है। हालांकि आपको बता दें, ये ओपिनियन पोल डिजिटल कराया गया है। इसमें लोगों से सवाल पूछा गया था कि नंदीग्राम सीट पर किसकी जीत हो सकती है, ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी की। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें ममता बनर्जी को 35% और शुभेंदु अधिकारी को 65% पर वोट करने के लिए कहा गया था, जिसमें 10% लोगों ने माना है कि ममता बनर्जी को 35% और शुभेंदु अधिकारी की जीत का 65% लोगों ने अनुमान लगाया है। वहीं दूसरे ऑप्शन में दिया गया था कि ममता बनर्जी 50%, शुभेंदु अधिकारी 50%, 4% लोगों ने माना है कि दोनों 50-50 के जीतने के चांस है। वहीं तीसरे में पूछा गया था कि ममता बनर्जी के जीतने के चांस 45% और शुभेंदु अधिकारी के जीतने के चांस 55% है, जिसमें 3% लोगों ने माना है कि शुभेंदु अधिकारी को 55% चांस है और ममता बनर्जी को जीतने के 45% चांस है। लास्ट में पूछा गया था कि चौथे सवाल में कि ममता बनर्जी के जीतने के चांस 85% है और शुभेंदु अधिकारी के जीतने के चांस 15% है। इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट 83% लोगों ने अपने वोट किए हैं। 83% लोगों ने माना है कि शुभेंदु अधिकारी के जीतने के चांस महज 15% है और ममता बनर्जी के नंदीग्राम सीट से जीतने के चांस 85% है। हालांकि आपको बता दें, इसमें लगभग 6000 लोगों ने अपने वोट किए हैं। इन 6000 लोगों में से 83% लोगों ने माना है कि ममता बनर्जी के जीतने के चांस 85% है। हालांकि इस डिजिटल सर्वे के कमेंट में भी लोगों ने टीएमसी को जीतता हुआ बताया है। लोगों ने अपनी अपनी राय रखते हुए लिखा है कि 215 से 235 सीटें ममता बनर्जी जीत सकती हैं। वहीं अगले कमेंट में गणेश राम ने लिखा है कि हर सीट पर ममता के नाम पर 85% वोट मिलेगा। पुष्पा अंजलि ने कमेंट करते हुए लिखा है कि ईवीएम है तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। हालांकि इनकी अपनी राय है। तो आप देख सकते हैं, इस डिजिटल सर्वे के मुताबिक नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी जीत सकती हैं। हालांकि 2 मई को नतीजे आएंगे, तभी यह पता लग पाएगा कि नंदीग्राम सीट पर किसकी जीत होगी। लेकिन कहीं न कहीं डिजिटल सर्वे के माध्यम से जितने लोगों ने वोट किया है, उससे कुछ न कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि आपको क्या लगता है, नंदीग्राम सीट से कौन जीतेगा, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वहीं आपको बता दें, बंगाल की कुल 294 सीटों के भी ओपिनियन पोल कराए गए थे। ये ओपिनियन पोल भी डिजिटल ओपिनियन पोल है। इस सर्वे में पूछा गया था कि बंगाल विधानसभा की 294 सीटों में किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। इसमें 5 ऑप्शन रखे गए थे। इस डिजिटल सर्वे में पूछा गया था कि भारतीय जनता पार्टी 150
75, TMC 105, कांग्रेस प्लस 15 सीट, जिस पर 7% लोगों ने अपने मत दिए हैं। 7% लोगों का मानना है कि बीजेपी 175, TMC 105 और कांग्रेस प्लस 15 सीटें जीत सकती है। वहीं दूसरे में पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी 125, TMC 160, कांग्रेस प्लस 11, इसमें भी 7% लोगों ने माना है कि बीजेपी 125, TMC 107 और कांग्रेस 11 सीटें जीत सकती है। अगले सवाल में 4% लोगों ने अपना वोट दिया है। 4% लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 140 सीटें, TMC 145 प्लस सीटें और कांग्रेस 15 प्लस सीटें जीत सकती है। चौथे सवाल में पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी 85 प्लस माइनस, TMC 195 प्लस माइनस, कांग्रेस प्लस 14 सीटें, जिसमें सबसे ज्यादा 68% लोगों ने अपना मत दिया है। यानी कि 68% लोगों का मानना है कि बंगाल की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटों से कोई कम ज्यादा मिल सकता है। वहीं 294 सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 195 से कम ज्यादा सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में यानी कांग्रेस प्लस के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। हालांकि इसमें अंत में सवाल पूछा गया कि इनमें से किसी भी आंकड़ों से आप सहमत नहीं हैं, तो उसमें 14% लोगों ने माना है कि इन सभी आंकड़ों से सहमत नहीं है। आपको बता दें, इस डिजिटल सर्वे में 14,000 लोगों ने अपने वोट दिए हैं। 14,000 लोगों में से 68% लोगों ने माना है कि बीजेपी 85 प्लस माइनस हो सकती है और TMC 195 प्लस माइनस हो सकती है। हालांकि ये 14,000 का आंकड़ा भी काफी बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि टीवी मीडिया ने भी कुछ ज्यादा अपने ओपिनियन पोल में लोगों से सवाल नहीं पूछे हैं। कुछ ने तो 20,000 लोगों से, कुछ ने तो 30,000 लोगों से सवाल पूछे हैं और इस डिजिटल ओपिनियन पोल में 14,000 लोगों ने वोट दिया है। हालांकि इस डिजिटल सर्वे में कई लोगों ने अपने कमेंट में भी अपनी राय दी है। मोहम्मद अकरम ने लिखा है कि TMC 238 सीटें, बीजेपी को 7 सीटें, कांग्रेस को 28 और अदर को 16 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि ये उनका अपना अनुमान है। वहीं राहुल भाई जान ने लिखा है कि TMC यानी ममता बनर्जी को 220 सीट मिल सकती है। वहीं अनुराग कुमार ने कमेंट करते हुए लिखा है कि TMC 202, कांग्रेस सेकंड नंबर पर और भाजपा तीसरे नंबर पर आएगी। वहीं कृष्णा पुनिया ने भी TMC को 211 सीटें जीतने का अनुमान लगाया है। वहीं मोहम्मद नजीर अहमद ने भी लिखा है कि अब की बार 200 के पार ममता की सरकार। वहीं ऐनुल हक ने भी TMC को 210 से 225 सीटें जीतने का अनुमान लगाया है। आर्यन पिचई ने TMC को 210 प्लस और बीजेपी को 5 से 10 सीटें और अन्य को 35 से 44 सीटें जीतने का अनुमान लगाया है। हालांकि ये इनका निजी राय है। इनके निजी राय के मुताबिक TMC बंगाल में जीत सकती है। हालांकि आपको क्या लगता है, बंगाल में किस पार्टी की जीत हो सकती है? क्या ममता बनर्जी दोबारा से बंगाल में वापसी कर पाएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में परिवर्तन कर देगी? आप अपनी राय जरूर बताएं। वहीं नंदीग्राम के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी के पिता ने मीर जाफर कहने पर बोला कि हम फ्रीडम फाइटर है, नंदीग्राम हमारा है। उस पर TMC ने तंज कसते हुए कहा कि ममता की कृपा न होती तो चुनाव जीतने के लाले पड़ जाते। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव भी 1 तारीख को संपन्न हो जाएगा। हालांकि इस बचे सभी 7 चरणों के चुनाव में सभी पार्टियां पूरा दमखम लगा दिए हैं। इस बीच पूरे चुनाव का मुख्य केंद्र बना नंदीग्राम, जहां से ममता बनर्जी और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी मैदान में उतरे हैं। सबसे खास बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के ही पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं और भाजपा में अब शामिल होकर ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें, एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में जब एंकर ने डिबेट के दौरान भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता सांसद शिशिर अधिकारी और TMC के प्रत्याशी अरूपा पोद्दार ने एक दूसरे के खिलाफ जोरदार आरोप प्रत्यारोप लगाए, जब एंकर ने कहा कि CM ममता बनर्जी आप पर सीधे शब्दों में आरोप लगा रही हैं कि आप आसान फरोश, गद्दार और मिर्जाफर है, आपने उनके साथ दगाबाजी की, वहीं आपको नंदीग्राम में ले आई, आपको राजनीतिक मंच दिया और आपको विधायक सांसद बनाया, आपने उन्हें राजनीतिक फायदे के लिए छोड़ दिया। इस पर शुभेंदु अधिकारी के पिता ने जवाब देते हुए कहा कि हम मिर्जाफर नहीं है, हम फ्रीडम फाइटर हैं, नंदीग्राम हमारा है। ममता बनर्जी को नंदीग्राम से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो हम वहाँ ले आए हैं, वे कोलकाता की नेता है। ममता बनर्जी नंदीग्राम की जानकारी नहीं है, वह
झूठी हैं। उनका कहना है कि ममता बनर्जी क्या जाने नंदीग्राम को, नंदीग्राम हमारा है। उनका कहना है कि नंदीग्राम से ही शुभेंदु लोकसभा चुनाव जीते थे, एमएलए बना, परमाणु विरोधी आंदोलन जब नंदीग्राम में शुभेंदु के नेतृत्व में चला था तो जनता उनके साथ रहती थी। ममता बनर्जी पॉलिटिकल चीटर है, वह झूठी है। जनता ने शुभेंदु को वोट दिया था, न कि ममता बनर्जी को। शुभेंदु अधिकारी के पिता के इस जवाब पर टीएमसी के नेता ने करारा पलटवार किया। टीएमसी के प्रवक्ता अरूपा पोद्दार ने कहा कि शुभेंदु को जनता ने वोट दिया, लेकिन प्रतीक तो टीएमसी का था, वह टीएमसी के कार्यों से चुनाव जीते। ममता की कृपा न होती तो चुनाव जीतने के उन्हें लाले पड़ जाते, कम से कम ममता का उन्हें एहसान मानना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो कहीं न कहीं शुभेंदु अधिकारी को आगे बढ़ाने वाली ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी की छत्र छाया में ही शुभेंदु अधिकारी विधायक और सांसद बने, अब उनके खिलाफ ही चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और उनके खिलाफ यानी ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और ममता बनर्जी को हराने के दावे कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ा एक्शन लिया है। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने पाए, इसको लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए रिटर्निंग ऑफिसर सहित 3 को वहां से हटा दिया है। चुनाव आयोग 10 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर डटे अधिकारियों को भी चुनाव ड्यूटी से हटा रहा है। बल्लीगंज विधानसभा क्षेत्र से आरओ हटाए गए। चुनाव आयोग ने कोलकाता के बल्लीगंज विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर आरओ को हटा दिया है। उनके सहित 3 अधिकारियों को हटाया गया है। एक आदेश में जानकारी दी गई है कि उसमें कहा गया है कि 2 अन्य अधिकारी, जिसमें हल्दिया के उप मंडल पुलिस अधिकारी और पूर्वा मेदिनीपुर जिले में महिषात के सर्किल इंस्पेक्टर यानी CI शामिल है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO को भेजे एक पत्र में कहा है कि 10 से अधिक वर्षों से एक ही ऑफिस में काम कर रहे अधिकारियों और वर्तमान में बल्लीगंज सीट के रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ अरिंदम मणि को तत्काल एक गैर चुनाव पोस्ट पर ट्रांसफर किया जाए। आयोग ने रिटर्निंग अधिकारी का पद जल्द से जल्द भरने के लिए 3 अधिकारियों का एक पैनल भी मांगा है। हालांकि 2 जगहों पर तुरंत ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें इससे पहले भी चुनाव आयोग ने बंगाल में बड़ा एक्शन लेते हुए कई अधिकारियों के ट्रांसफर किए थे, जिसमें ममता बनर्जी ने चुनाव अधिकारी पर यानी चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया था। कहा था कि चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, ये राजनीतिक तरीके से चुनाव आयोग अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है, जिसमें काफी वार पलटवार भी भारतीय जनता पार्टी और TMC के बीच हुआ था। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए इन अधिकारियों का हटना जरूरी है। आपको क्या लगता है, चुनाव आयोग ने जो एक्शन लिया है, क्या चुनाव आयोग का ये एक्शन सही है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो पर लाइक जरूर दें और शेयर भी करें।